हेलो दोस्तों, आप सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं। आज मैं सभी के लिए कस्टर्ड फ्रूट की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे हम व्रत में आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम बनाते हैं फ्रूट कस्टर्ड। बनाने के लिए हमने सामा का चावल लिया है, इसे मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। हमारा चावल ग्राइंड हो गया। गैस पे हम दूध रखेंगे। दूध हमने 1 लीटर लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। दूध हमारा गर्म हो गया, हमने थोड़ा सा दूध निकाल लिया था। दूध हमें ठंडा ही लेना है। हम इसमें अपने पिसे हुए चावल को मिलाते हैं। चावल हमें थोड़ा थोड़ा मिलाना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। हमने इसमें केसर डाला है, आपके पास केसर हो तो डाल दें, नहीं तो फूड कलर भी डाल सकते हैं। इसे दूध में थोड़ा थोड़ा डालकर मिलाएंगे। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। कस्टर्ड दूध हमारा गाढ़ा हो गया, इसमें फ्रूट डालेंगे। फ्रूट हमने केला लिया है, अनार लिया है और सेब लिया है। अब सारे फ्रूट को हम कस्टर्ड दूध में मिलाएंगे। ये दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं और हमें व्रत में एनर्जी भी देता है। इसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसे ड्राई फ्रूट से सजा देते हैं। हमने बादाम लिया, पिस्ता, अनार। वाह, कितना प्यारा हमारा कस्टर्ड फ्रूट घर पर बनकर तैयार हो गया। दोस्तों अगर हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हों तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं। बाय दोस्तों।